थोड़ा पीछे से राइट टू लेफ्ट या देख साइड या मैम यहाँ सेंटर में यहाँ पे या लुक या दिस कैमरा या मैम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार, नर्वस। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मैम। किस चीज आप बताओ किस चीज के लिए नर्वस होना चाहिए मुझे? पता है आपकी मुझे सुन लेता है। अभी 4 दिन बचे मेरी शादी को और शादी की तैयारी कैसे चल रही है? क्या मुझे हर रोज लगता है कि बहुत काम पड़ा है। अरे भाई चलो बाइक कर लेते हैं ना। थैंकफुली मेरे सारे फ्रेंड्स और फैमिली आने लग गए हैं तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। लेकिन मुझे आखिरी मोमेंट तक मैं श्योर मुझे लगेगा कुछ ना कुछ बचा है क्योंकि जाना है, पैकअप करना है, तो बहुत काम है। आसान नहीं है शादी गाइस, आसान नहीं है। पहले आसान थी, अभी आसान नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है जेडन का स्कूल देखूँ कि उसका रैपअप करूँ कि अपना रैपअप करूँ, तो मेरी पर्सनालिटी को सूट होता है, बाकी ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा ऑडियो या लुक या या दिस कैमरा या बूम के तरफ लुक या रोल है। सो दलजीत चेहरे से तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, लग रहा है कि हाँ बस 4 ही दिन बाकी है। सो कितने एक्साइटेड हो या नर्वसनेस हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? सच्ची बताओ अब नर्वसनेस ज़्यादा है, एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली, एक अनसेड एक्साइटमेंट है, लेकिन नर्वस थोड़ी ज़्यादा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है। मैं हर रोज़ उठते हुए लगता है बापू अभी तक मुझे लगा था 10 दिन है, 5 दिन, सिर्फ 4 दिन बचे और 4 दिन जैसे लग रहा है बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है सब। सो अभी जैसे कि रिचुअल स्टार्ट होने वाले होंगे तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब हम पकड़ को लिया है हमने आपको, आज यहाँ क्या करने आए हो आप? मैं नेल आर्ट कराने आई हूँ और जैसा आप देख सकते हैं मेरी ही पर्सनालिटी को सूट करता हुआ मैंने ये ब्राइडल नेल आर्ट किया है जो बहुत ही सिंपल है। मुझे हाँ मतलब मुझे एक चीज़ मैंने अगर कुछ सीखा है ना वो ये सीखा है कि अपने लाइफ में ना वो करना चाहिए जो अपने को पसंद आए। मुझे पता है मुझे आज बहुत डांट पड़ने वाली है, मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं मुझे बहुत डांटेंगे कि ये क्या करा इतना सिंपल, लेकिन आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई वेडिंग द वे आई एम एंड दिस इज़ मी। सो कितने फ्रेंड्स अभी तक आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं? मेरे फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं, मेरे कुछ 25 साल पुराने दोस्त, कुछ स्कूल के दोस्त, यू नो। और शादियों पे रियलाइज़ होता है कि कितने लोग आपको प्यार करते हैं, बिकॉज आई मेरा घर इस वक्त फुल मतलब कियोस है। मैं जिस भी रूम में कल घुसे थे वहाँ पे 7-8 लोग थे, तो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग होम। और अब लग रहा है शादी वाला माहौल घर में है, अब रौनक भी है, किसी की आवाज़ किसी को नहीं सुनती, कोई कुछ कह रहा होता है जवाब कुछ और मिल रहा होता है, तो जो शादी का कियोस होता है वो है अभी। सो दलजीत शादी के पहले जनरली लड़कियां डाइट पर चली जाती है, तो आप कितना डाइट कर रहे हो या फिर आप चालू हो रही है? मुझे देख के कोई बोल सकता है डाइट कर रही हो? बिल्कुल नहीं करी, मैंने शुरू किया था आई स्वेयर। मैं जिम मैंने जिम में इंस्ट्रक्टर को भी पैसे दिए और वो बेचारा मुझे फोन करके कहता है मैम आपने पैसे डोनेट क्यों किए, क्योंकि शादी के घर में बिल्कुल टाइम नहीं, मेरी आवाज़ जा चुकी है, जिम का टाइम नहीं है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ी फिट तो मैं हूँ, देखो हॉट तो मैं लगूंगी अपनी शादी में, ये तो मैं बहुत श्योर हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि ऐसी घुट पटांग ना खाऊं, तो प्रिटी तो लगना है ना ब्राइड को, थोड़ा हॉट एंड हैपनिंग। दूल्हे राजा के लिए क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड है वो? दूल्हे राजा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो मतलब हर उनको अब क्या हो रहा है ना, उनको फोमो हो रहा है क्योंकि शादी यहाँ पर हो रही है और वो अपने काम से कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है क्या हो रहा है पूरे दिन बस वो क्या हो रहा है। अगर मुझसे जवाब नहीं मिलता तो मेरी मम्मा को पूछते हैं, उनसे जवाब नहीं मिलता तो मेरी बहन से पूछते हैं। मेरे दूल्हे बहुत फोमो में इस वक्त, उनको ऐसा लग रहा है कि ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट। और यहाँ पे जो अभी मैं कल के बाद बाहर शायद ना निकल पाऊँ क्योंकि मम्मा ने बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि लड़की बाहर नहीं निकलेगी, तो उनको और ऐसा हो रहा है कि मैं आ रहा हूँ मुझे मिलना है, तो वो तिल मिलाए हुए से ग्रूम है मेरे इस वक्त। सो लास्टली क्या मतलब क्या फ्रेंड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
क्या विशेष हैं आपकी फैंस से? ऑनेस्टली दिल से आई रियली वांट कि आप लोग प्लीज़ कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स. मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है ये जेडन के लिए जो डिसीजन मैंने लिया है, भगवान करे सही हो, और अभी तक और आगे भी यू नो जो भी डिसीजन मैं लेते आई हूँ जेडन के लिए सब सही हुए हैं. एंड ब्लेसिंग्स बहुत काउंट करती हैं. कल मैं एक मॉल गई थी और एक आंटी मुझे मिले और उन्होंने मुझे हग किया और उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोगों की लाइफ टच होती है, क्योंकि जब सेकंड मैरिज होती है ये बोलने वाली बात होती है, क्योंकि आई एम अ पेरेंट उस और मेरी शादी है तो इमोशंस मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं. और वो आंटी के जब आंसू कल बहे तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि कितने लोग इस शादी से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर एट अ थ्रेशोल्ड यू नो कि दूसरी बार करना चाहिए क्या, बच्चे हैं यू नो गलत. सो जो फियर्स शायद मैं लिटरली अभी लिव कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे फैंस हैं जो लोग जो इक्वली डरे हुए हैं, विच इज़ व्हाट आई सॉ यस्टरडे. एंड आई रियली होप कि अपने लिए भी सही करूँ और जो लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये डिसीजन सही हो, सही हो. जेडन कितने खुश हैं आपकी शादी से? जेडन बहुत एक्साइटेड है. जेडन हर रोज़ मतलब नानू नानी के साथ सोता है, उसको ये लग रहा है कि जितना टाइम मेरे पास है मैं पूरा यूज़ करूँ. ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही इज़ वेरी हैप्पी. वो निक के साथ कल हेयर कट कराने जा रहे हैं और मतलब सेम टू सेम मुझे ट्विन करना है, वो वाली एक्साइटमेंट उसकी चल रही है. इट इज़ रियली नाइस. और वो अपने नए स्कूल को नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा मुझसे ज़्यादा वो रेडी है, उसको देख के मुझे भी हिम्मत आती है. ऑल द वेरी बेस्ट दलजीत. Thank you. I really need it. Keep me in your prayer, guys. Please keep me in your blessings. Thank you. ज़रूर आप आएंगे ना मेरे Instagram पे आइए, आपको मेरी शादी के सारा स्कूप मिलेगा. बट अभी हम लोग कोशिश तो लो प्रोफाइल की कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों से डर भी लगता है कि पहुंच जाओगे आप लोग तो देखेंगे. Instagram. हाँ मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटिमेट रहे तो बहुत अच्छा है. बट देखते हैं जैसा होगा. अगर आप लोग पहुँच ही गए तो भी मिठाई खा लेना, नहीं पहुँचे तो मैं आपको बुला के मिठाई खिला दूँगी. उनकी बात है, बताऊँगी एक इवेंट के लिए. डेफिनेटली आप लोगों को मैं बुलाऊँगी. सब में मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कई लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको यू नो हम लोग बड़े यूज टू होते हैं. मुझे लगता है यार अपने ही बंदे हैं. मैं बिल्कुल दिल से बात कर रही हूँ. बाहर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को शायद ऐसा लगे ना अरे बाप रे बाप रे ऐसा. इसलिए तो मैं डेफिनेटली इनवाइट करूँगी और आना, लेकिन बहुत सारे प्यार. और किसी से कुछ हो जाए तो बहुत प्यार देना, मुझे बहुत प्यार की ज़रूरत है. बहुत सही थे सर. और सी यू, बाय बाय, थैंक यू.